बिहार गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, वो धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है और बिहार आर्थिक प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं जीएस पेपर टू के इकोनॉमी में, जब बिहार के ग्रोथ दिखाया जाए, ठीक है। और इसी समय हमारे उद्योग मंत्री ने बताया है कि बिहार के जो रोजगार पोर्टल है उस पे लगभग 15.5 लाख युवाओं जो 35 साल से नीचे के हैं उन्होंने रोजगार के लिए अपना निबंधन कराया है। तो ये स्थिति भी दिखाती है कि अब धीरे धीरे जो यहाँ के युवा हैं वो अदर स्टेट में रोजगार के लिए जाना बंद करके अपने बिहार में ही उनको रोजगार मतलब मिलने लगा है। तो ये भी एक अच्छे आर्थिक प्रगति का घोतक है, ठीक है। उसके बाद एक और रिपोर्ट आया हुआ है बिहार मद्य निषेध अधिनियम को लेकर। ये कब लागू किया गया था, किन्हीं को याद है क्या? 2016 2016 में, 2016 में, और अप्रैल 2022 में इसमें संशोधन करके इसके जो अनुच्छेद है 37 में, 37 को जोड़कर उसमें एक प्रावधान किया गया है कि मतलब जो पहली बार मद्य का पान करते हुए पकड़े जाएंगे ना, तो उनसे 2 से 5 हजार रुपया आर्थिक दंड लेकर उनको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जब से ये बदलाव हुआ है तब से लगभग 2.75 लाख लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं और उससे जो गवर्नमेंट है 70 करोड़ रुपया जुर्माना वसूल की है। तो ये भी आप पुट कर सकते हो जब मद्य निषेध के बारे में पूछेगा जीएस में, या जब दिखाना होगा कि बिहार सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या कर रही है, उसका परिणाम क्या रहा है, तो इस डेटा को भी वहां आप रख सकते हैं जो कि काफी मतलब फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अब एक और यहाँ पे गवर्नमेंट शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए एक और इनिशिएटिव ला रही है। उनका है कि जैसे पहले विद्यालय में था कि आप लगातार विद्यालय अटेंड नहीं करते हैं तो आपके नामांकन को रद्द कर दिया जा रहा था, या आप अभी देख भी रहे होंगे हाईलाइटेड था ये, बहुतों का नामांकन रद्द किया गया है। तो अब ये चीज जो है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सभी जगह लागू हो जाएंगे। इसमें क्या है कंडीशन कि अगर आप लगातार 3 दिनों तक बिना बताए बिना लीव लिए अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उसके पास एक नोटिस दिया जाएगा वो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के द्वारा, एक नोटिस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या रीजन था जो आप अनुपस्थित थे। अगर वो बच्चा संतुष्टप्रद जवाब नहीं दे पाता है तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, साथ में उनके रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इससे भी दिखता है कि बिहार गवर्नमेंट जो है अपना शिक्षा को लेकर कितने जागरूक हो गई है। तो इसको भी आप दे सकते हैं जीएस पेपर सेकेंड का, सामाजिक जब वो इकोनॉमी में जब सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में जब वो पूछेंगे तो ये भी आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे कैसे कर रही है और उसे अपना जो ये क्या क्या बोलते हैं नामांकन जो है वो सुधर रहा है, साथ में पढ़ाई की भी मतलब तो पढ़ रहे हैं जिससे कौशल विकास होगा, ठीक है। एक ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एक ऑपरेशन मुशान के बारे में आप लगातार पढ़ रहे हो, अगर आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे तो लगातार देख रहे होंगे उसमें, ये क्या है आप लोग कोई बता पाएंगे क्या? बिहार पुलिस द्वारा खोए ये जी खोए हुए बाइक और मोबाइल चोरी मोबाइल को ट्रैक करने के लिए हाँ ऑपरेशन बिहार खो पुलिस द्वारा चला गया था। हाँ खोए गए मोबाइल को मतलब उनके ओरिजिनल जो ऑनर है उन तक पहुंचाना उसको प्राप्त करके, ठीक है। तो ये भी काफी चर्चित रहा है। अभी हाल ही में मतलब कल जैसे 200 मोबाइल को उनके जो मतलब ऑनर थे उन तक पहुंचाया गया है ये। तो ये भी काफी चर्चित तो ऑपरेशन है यहाँ का, ये हमेशा हाईलाइटेड रहता है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट के लिए आप देख रहे होंगे लगातार एक मतलब एक प्रोन्नति विभाग में प्रोन्नति के लिए एक सूची बनाई जा रही थी, उसमें कुछ मतलब निकल कर आया है कि किस विभाग में कितने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो उसमें सबसे पहला विभाग जो है वो शिक्षा विभाग है, ठीक। वहां पे 935 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी पाए गए हैं जो भ्रष्ट हैं। उसके बाद है पंचायती राज, वहां पे 330 कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट पाए गए हैं। उसके बाद है सामान्य प्रशासन विभाग, तो सबसे अधिक भ्रष्ट कर्मचारी वाला विभाग अपना शिक्षा विभाग है, दूसरा है पंचायती राज और तीसरा सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। और एक और है कि यहाँ के जो बिहार के बाल बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव, इनको राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी काफी पॉपुलर न्यूज हो गया क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर चले गए, तो ये पूछा जा सकता है पीटी का फैक्ट है ये, तो
इसको आप लोग याद मतलब लिख लीजिए, ठीक है। जी और इसके अलावा बिहार बैडमिंटन बैडमिंटन संघ के जो सचिव थे गौरी शंकर ना, उनको भी महासंघ जो है राष्ट्रीय लेवल पे जो काम करता है उसका सचिव बनाया गया है उनको। तो दो नाम यहाँ पे हो गए जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, इसको मिलान करने में पूछा जा सकता है वहाँ। तो ये दोनों नाम को याद रखना मतलब जरूरी है ये, ठीक है। एक है जी मनेर, हाँ मनेर एक है, मनेर के रहने वाली है जो त्रिपुरा से, वो फिलीपींस में आयोजित एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था मिसेज यूनिवर्स, ठीक, 2023, उसमें उन्होंने एक टाइटल जीता है मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का, ठीक। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बिहार की बेटियां जाकर अपना मतलब प्रतिभा दिखा रही है, ठीक। मैम, इसमें एक ये है मैम, ये यूनिवर्सिटी जो क्रिएटिव ये सब टाइटल जीती है या फिर ये मिसेज यूनिवर्स का टाइटल भी नहीं नहीं जीती सब टाइटल है ये, मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का सब टाइटल है ये। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। जी और अभी आप ये मैंने कल बताया था कि जैसे मुंबई में ओलंपिक संघ का जो है 141वां सत्र चल रहा था, चला था ठीक है। तो जी उसमें हाँ उसमें कुछ खेल को 2028 जो ओलंपिक होगी पेरिस में, नहीं जी तो सॉरी लॉस एंजलिस में जो होगी अमेरिका में जो होगी, उसमें अमेरिका पांच में भी खेलों को शामिल किया गया, उसमें क्रिकेट भी है। तो क्रिकेट जो है कितने वर्षों के बाद फिर से ओलंपिक में शामिल किया गया एक है, सौ 28 वर्ष हाँ बहुत बहुत बढ़िया, सही बात है। इसके अलावा चार और खेल हैं, क्या वो बता सकती हैं आप? जी मैम, स्क्वाश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल। यस बहुत बढ़िया। और ये जो क्रिकेट है अपना, वो मतलब पहला बार शामिल नहीं किया गया है, ये ऐसा दूसरा बार होगा जब क्रिकेट खेला जाएगा ओलंपिक में। तो इसके पहले जो क्रिकेट कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, 1900 के ओलंपिक 1900 में जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था, उसमें मात्र में जी, दो टीम, हाँ उसमें मात्र दो टीम पार्टिसिपेट किए थे, एक फ्रांस और एक इंग्लैंड, एक इसलिए वहां पे इंग्लैंड। सीधे हाँ फाइनल खेला गया था, कोई और मैच नहीं हुआ था, ठीक है। और वो जो जी मुकाबला चला था 2 दिन तक चला था। तो इसको आप याद जी रखिएगा क्योंकि सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा, ये 13 ही पूछ रहा है बीपीएससी ये क्वेश्चन, तो हो सकता है पूछे कि कब ये पहला बार मतलब ओलंपिक में शामिल किया गया था क्रिकेट को और कितने बार ये शामिल हो चुका है। तो एक बार पहले हुआ था 1900 में जब पेरिस ओलंपिक हुआ था, और दूसरी बार अभी हो रहा है मतलब 2028 में होगा, ठीक है। ये 2028 में पेरिस मतलब ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, 2024 वाला ओलंपिक कहाँ पे होगा? अब 24 वाला बर्लिन में होगा ना, शायद जर्मनी में, पेरिस में होगा, फ्रांस में, पेरिस में फिर हाँ। और इंडिया कब किस वर्ष के लिए दावेदारी अपनी पेश किया छत्तीस है, 2036 के लिए। छत्तीस बहुत जी बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक आज का मतलब कल का न्यूज है कि ये फिनलैंड के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मार्टिन अहित सारी, उनका निधन हो गया जी है। इनको जी 2008 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट नाम है, ये पूछा जा जी सकता है किसी भी एग्जाम में। और हमारे यूएन में एक मतलब अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है अधिगम बागची को, ये नाम तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाएंगे, ये काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है अपना, तो इसको तो याद ही रखना है आपको। क्या नाम है? अधिगम बागची, ठीक जी है। और आज एक न्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मना कर दिया गया है, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं? ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत दिन से हाईलाइटेड है और कंटिन्यू इस पे चल रहा है विवाद, कुछ लोगों द्वारा जो है इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था कि इसको मान्यता दिया जाए। तो इसके बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं कि ये है क्या? मैम, समलैंगिक विवाह तो जानते हैं और न्यूज देखे हैं, बट इस न्यूज के बारे में मतलब उस पे ध्यान नहीं दिए, पढ़े नहीं उसको। अच्छा, समलैंगिक विवाह मतलब होता है मतलब एक ही प्रकार के लिंग जब आपस में आकर्षित होते हैं और प्रेम करते हैं और जी विवाह मैम, करना जी चाहते हैं, मैम, तो लेस्बियन और गे का जो हाँ वैवाहिक संबंध ये है, हाँ वो ये मोटा मोटी एलजीबीटी, इसका, वही है एलजीबीटी हाँ सही सही, इसको जो मोटा मोटी ही LGBTQ समुदाय क्यू आई ए प्लस बोला में जाता इसको रखा गया है, वही समुदाय में। है, हाँ।
तो जैसे इसका मोटा मोटी परिभाषा है कि जब एक समान लिंग के आदमी जब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है तो उसको समलैंगिक कहते हैं। बट इसका विस्तृत रूप से इसका इसको मतलब पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है लेस्बियन, दूसरा है गे, तीसरा है वर्ड सेक्सुअल मतलब सॉरी बाइसेक्सुअल, चौथा है ट्रांससेक्सुअल और पांचवा है क्वीर। ठीक है, तो ये जो सब कैटेगरी है इसके बारे में आप लोग को कुछ पता है? लेस्बियन बताइए किनको बोला जाता है? जब सब फीमेल सेक्स मतलब कैटरेशन फीमेल सेक्स फीमेल के को जी फीमेल, हाँ तो और दो गे में बताया मेल मेल आकर्षित अट्रैक्ट होते हैं। होते हाँ, हैं और बाइसेक्सुअल, इसमें जो है ना बाइसेक्सुअल। पर्सन जो है खुद कंफ्यूज रहता है वो किसके प्रति अट्रैक्ट है। ये कभी महिला के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनको भी समलैंगिक में ही रखा जाता है। एक है ट्रांससेक्सुअल, इनको इसमें किसको रखा जाता है? जैसे बहुत बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि उन्होंने अपना लिंग चलाकर, हाँ लिंग जो है चेंज कराकर कभी फीमेल बन जाते हैं कभी मेल बन जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना उनको ट्रांससेक्सुअल में रखा जाता है। ठीक, एक है इसका पार्ट क्वीर। ये क्या होते हैं कि ये अपने यौन आकर्षण को लेकर आश्वस्त ही नहीं है कि इनको मतलब अट्रैक्शन है किन के प्रति। ठीक है, हर समय तो ये दुविधा पांच, में फंसे होते हैं, मतलब हाँ इसीलिए। ये दुविधा, सही सही बोली आप, ये हाँ, ये दुविधा में तय रहते नहीं हैं कर कि पाते इनको, हैं जो उनका आकर्षण पुरुष के तरफ है या स्त्री के तरफ, और हाँ उनके बिल्कुल अंदर सही, स्त्री वाला गुण होता है या पुरुष वाले भी। वो अक्सर मतलब टाइम ऐसे टू लोग टाइम में चेंज सवाल होते रहता रहता है, है उनका इसलिए गोल। क्यों क्वेश्चनिंग के श्रेणी में रखा गया है बस ये। हाँ, इस तो ये जो सेक्शन है उसको क्या नाम दिया गया है क्यूर जो आप अभी क्वेश्चनिंग डिफाइन के कर लिए, मतलब, क्वीर? हाँ क्यूर यस, क्वेश्चनिंग के मतलब श्रेणी में रखा गया है इसको। हाँ सही बोली। ठीक है, तो इसके वैवाहिक जो मतलब ये समलैंगिक विवाह है इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है। कुछ कुछ बताइए आप लोग। याचिकाकर्ता जो याचिका किए थे कि मतलब हम लोग को ये मान्यता दिया जाए यहाँ पे भी भारत में भी। अच्छा, वर्तमान में कितने देश हैं जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए हुए हैं? 34 है वर्ल्ड में। और हाल ही में अंडोरा नामक एक देश है, यूरोपीय देश है, उसने दिया था। ठीक है, तो याचिकाकर्ता जो है किस बेसिस पे ये सुप्रीम कोर्ट में मतलब आवाज उठाए थे कि हमें दिया जाना चाहिए? उनका आधार क्या हो सकता है? संविधान हो सकता है? संविधान की कौन सी धारा है जो उनको मतलब प्रेरित करता है कि आप ये डिमांड उठाइए और मांग कीजिए अपने लिए? संविधान की धारा 15 और 16, उसमें क्या बोला गया है कि आप किसी भी लिंग को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, कर सकते। तो उसी को इन लोगों ने आधार बनाया था। और एक और है आर्टिकल 21, दोनों को आधार बना के ये वहां गए थे कि दोनों हम लोग को मतलब एक आर्टिकल 21 के तहत तो किसी से भी शादी करने का छूट है, तो वहां पे आप नहीं रोक सकते हैं, तो इसको मान्यता दिया जाए। और 15 16 है तो लिंग के बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी हम लोग को ये अधिकार दिया जाए। ठीक है, मान्यता दिया जाए, तो इस बेसिस पे गए थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ मतलब मतलब इनको नहीं देने का, मान्यता नहीं देने के लिए गवर्नमेंट कुछ पक्ष अपना रखती है। वो कुछ आप लोग बता पाएंगे या मैं ही बता दूँ? मैम बिल्कुल भी नहीं परेशान। अच्छा ठीक है, तो ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे सरकार मानती है कि भारत में जो है विवाह जो है एक संस्कार है जिसमें एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला का होना जरूरी है, और इस तरह के विवाह में तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसको मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार ये भी बोलती है कि जो 2018 में जो केस हुआ था वो थे नवजोत सिंह जौहर। ठीक है, उनके जब उन पे जो वर्डिक्ट चल रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 377 आर्टिकल को हटाकर ये बोला कि इसको मान्यता दिया गया था। मतलब इसमें कहा गया था कि अगर समान लिंग में कोई मतलब कोई यौन गतिविधि होती है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक, लेकिन उसको मान्यता होमोसेक्सुअल नहीं उसको दी नहीं गई थी, रखा गया है, उस समय कहा उसको गया था अपराध की होमोसेक्सुअल इज श्रेणी नॉट से ए हटाया गया कैटेगरी। था। हाँ वही बोल रही कि उसको अपराध की श्रेणी से हटाया गया था, ना कि उसको मान्यता दिया गया था। तो आज गवर्नमेंट जो है इसको भी आधार बनाती है। ठीक है, कि वहां पे आप लोग को बोला गया था कि पहले क्या था कि 377 आर्टिकल के तहत इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता और इस तरह के लोग पाए जाते थे तो उनको दंड दिया जाता था। तो वो चीज खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि इसको लीगल बनाया था। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है एक और तर्क देती है कि ये अनुच्छेद 21 के तहत इसको कोई मान्यता नहीं प्राप्त है कि आपको मौलिक अधिकार इसको नहीं प्राप्त है कि आप करेंगे ही और आपको मान्यता मिलेगी। तो ये तीन गवर्नमेंट के पक्ष है जिसके आधार पर वो इसका विरोध करती है। ठीक है,
जी अब ये बताइए कि इसके विपक्ष में क्या बोला जा सकता है, विपक्ष विपक्ष में तर्क क्या दिया जा सकता है अगर आपसे पूछा जाए तो, मतलब इस विवाह को मान्यता ना मिले तो आप क्या बोल सकते हैं, कुछ आइडिया है आप लोग को? यहाँ पे आप बता सकते हैं कि संसद द्वारा जो विवाह की परिभाषा मतलब बताई गई है उसमें एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच विवाह होना जरूरी है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक मतलब इसी का सुनवाई चल रहा था तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि हमारे यहाँ जो शादियां होती है ना तो उसमें सप्तपदी जो एक नियम है वो बहुत जरूरी है, जो कि हर समुदाय में विभिन्न रूपों में यहाँ पे की जाती है, तो वो भी एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस और एक और है कि भारतीय समाज इस तरह के शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सामाजिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे एक विवाह का मतलब एक अवधारणा है, उसमें एक पति एक पत्नी और बच्चे का होना मतलब जरूरी है, और समलैंगिक है तो उसमें तो बच्चे होंगे नहीं, तो ये भी एक विरोध का कारण है कि अपना जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है वो टूटेगा, समाज बिखरेगा। ठीक है, और अपना जो विशेष विवाह अधिनियम है 1954 का, और एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी, इसमें जो संशोधन की शक्ति है वो विधायिका को दिया गया है ना कि न्यायपालिका को, तो ये भी है कि न्यायपालिका इसको संवैधानिक मतलब लीगल नहीं बना सकती है, जब भी बनाएगी ये संसद ही बनाएगी, तो ये भी एक तर्क हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो अब इतना डिस्कशन के आप बार बताइए क्या ये सही है, गवर्नमेंट को इसमें मतलब इसको मान्यता देने के लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए भारतीय समाज को देखते हुए? कोई तो बोलिए। समाज भारतीय समाज को अगर देखते हुए कहा जाए तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारी संविधान तो बोलती है कि सबको अपना अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, सिर्फ जी, सबको जीवन साथी और चुनने का अधिकार है, परंतु हाँ जैसे जैसे इसी में तो 5 कैटेगरी है ना मैम, तो 2 कैटेगरी ऐसे हैं जो खुद कंफ्यूज है कि हम मेल के प्रति अट्रैक्ट है या फीमेल के प्रति अट्रैक्ट है, या वो बिल्कुल खुद सही। कंफ्यूज है कि हम मेल है या फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं तो बाद में विच्छेद भी हो सकता है, और ये बाद में क्या बोलते हैं वो क्राइम को भी बढ़ावा देगा। क्राइम का भी प्रमोट करता है। जैसे अभी के टाइम में कुछ कुछ कंट्री में ऐसा देखा भी जा रहा है, जो जो होमोसेक्सुअल लोग हैं, क्राइम क्राइम इन लोग में कुछ ज्यादा ही, मतलब इस तरह के विवाह में क्राइम को बहुत ज्यादा स्पेस मिलने लगा है। हाँ, एक ये भी और रीजन है नहीं करने का। और और जैसा कि आपने बताया कि सामाजिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स टूटेगा, क्योंकि एक जब पेरेंटिंग की जब बात आती है, तो पेरेंटिंग में की जब बात आती है तो फिर वहां पे बहुत चीजें मायने रखती है, एक तो बच्चे को सिखाने के लिए और समझा। ऐसा नहीं है कि दो मेल मिलके पेरेंटिंग नहीं कर सकते या दो फीमेल मिलके नहीं कर सकती है, लेकिन जब वो लोग आपस में ही कंफर्म नहीं है तो फिर एक हाँ तो बच्चे बच्चों को का क्या पेरेंटिंग के, होगा? हाँ तो बच्चों का क्या होगा, वो प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी एक सबसे बड़ी मुद्दा है कि आप गोद ले लेते हो इस तरह का शादी करके, आप दिखाओ कि ये मतलब बच्चा है हमारे पास, लेकिन जब आप लोग के बीच संबंध विच्छेद होगा तो ये बच्चा किसके पास रहेगा ये कोई डिसाइड ही नहीं कर पाएगा वहां कोई पे। डिसाइड नहीं कर और सकता है। हाँ, और इसमें मतलब हम लोग की जो पारंपरिक शादी होती है तो वहां पे एक मतलब बच्चा जो होता है वो दैविक माता पिता होते हैं, तो किसी न किसी को वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वहां पे दे दिया जाता है कि आप करोगे या आप करोगे, वहां पे किनको देगा, क्योंकि उनके बायोलॉजिकल मदर या फादर तो कोई है नहीं, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है वहां पे। ठीक है, तो जी ये देखते हुए इसको संवैधानिक नहीं देना चाहिए, जैसे चल रहा है अपराध नहीं है उसके अनुसार चलिए, पहले खुद कन्फर्म होइए। ठीक है, चलिए, और मतलब इस पर किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, एक बार रिवाइज किया जाए जो आज हमने बताया। जी अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे अभी हाल मतलब बहुत चर्चित है, जैसे ये क्या बोलते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार है, तो उसमें अपने नागरिकों को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताइए ऑपरेशन आप लोग। अजय, ऑपरेशन यस, अजय, और किनको पता है, किन्हीं को पता है क्या? आप गलत नहीं बोल रही हैं? विजय, इजराइल नहीं में अजय ही, हाल में ना ऑपरेशन अजय का मतलब किया गया अजय ही है मैम। है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, ऑपरेशन ऑपरेशन अजय बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका आपको किसी भी
मैगजीन में या बुक में जब मेन के लिए पढ़ेंगे आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा इसके, क्योंकि ऑपरेशन गंगा पे एक बीपीएससी जो फुल क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी जो रिसेंट में हुआ था एग्जाम सरसठवीं का, उसमें पूछा था कि ऑपरेशन गंगा क्या है और फुल क्वेश्चन था वो। तो इसमें जो अभी डेली जो आर्टिकल आ रहे हैं ना, तो वहां से आपको पॉइंट कलेक्ट करके रखना होगा, ठीक है, कि उसमें कितने भारतीय आ रहे हैं, कितने कब आ रहे हैं, ये सारे चीज वहां से आपको डेटा रखना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, क्योंकि पूछ चुकी है। तो इस पे आप लोग थोड़ा फोकस रखिएगा और जो भी मिलेगा ना उसको नोट करते जाइएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये भी ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ऑपरेशन अजय। और इस वर्ष दो ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, एक और ऑपरेशन हुआ था वो कहाँ का हुआ था? ऑपरेटिव चक्रवात मोचा चक्रवात से बचाने के लिए किया गया था, कोरोना नहीं, एक सूडान में भी हुआ था मैम इसी सूडान, साल। सूडान वाला, हाँ हाँ सूडान में वो ऑपरेशन कावेरी था कावेरी था, हाँ जी। जी। भारतीयों को निकालने के लिए, एक जो आप चक्रवात के लिए बोल रही हो तो वो तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया जी था, जी मैम जी, भारतीयों को भारतीयों निकालने को, के लिए सूडान में किया गया था हाँ सूडान में किया गया था, ऑपरेशन और अभी ये कावेरी इसराइल से किया गया है, ये भी जी। काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए ठीक है, तो वो देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अभी हम लोग आप बताइए कि